लटको नहीं। एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज है संडे। कहने का तो ये संडे होता है पर संडे संडे नहीं होता है हमारे लिए। सबसे पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है अपने गर्म पानी के साथ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैंने 40 मिनट पहले थायराइड की दवा ली है। पहले मुझे पता नहीं होता था तो मैं थायराइड की दवा लेती थी, उसके बाद चाय वाय जो पीती थी। पहले का सब कुछ रूटीन अलग था, मतलब कोई ये सब कुछ ऐसा नहीं होता था। तो पहले मैं थायराइड की दवा लेती थी, इसके बाद मुझे कब क्या चीज़ें खानी है उस चीज़ का मुझे पता नहीं होता था क्योंकि तब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो मुझे पता चला जब से कि थायराइड की दवा लेने के बाद आप 40 मिनट तक मतलब कुछ नहीं खा सकते। खाली पेट आप थायराइड की दवा लें, उसके 40 मिनट बाद ही आप कुछ खाएं। तो अब मैं ऐसा करती हूँ। तो उसके पहले मैंने लिया था, देखिए चाय पत्ती डाल रहे थे लेकिन छूट गया। इतनी ज़्यादा सुस्ती शरीर में होती है कभी कभी कि कुछ काम करने का मन नहीं होता। संडे के दिन तो और एकदम हो जाता है घर का मतलब होता है तो छुट्टी है, सब छुट्टी में अपना करते रहते हैं। लेकिन मुझे तो छुट्टी नहीं होती तो मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ हो जाती है संडे के दिन। कितने सारे काम होते हैं, इन कामों को निपटाना होता है। तो सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी किया है, उसको निकाल लिया है, अभी मंजन ब्रश किया है, कुछ भी नहीं किया, बस सो के उठे हैं तुरंत। अभी कोई काम नहीं हुआ है, घर का सारा काम पड़ा है। मैंने सोचा चलो अपना गर्म पानी पी लेते हैं। वैसे मैं एक घंटा पहले उठी थी तो अगर अपना योगा क्लास कर लेती तो मैंने सोचा चलो आज संडे, हम भी संडे मना लेते हैं। लेकिन मैं गलत करती हूँ, अपने रूटीन में रहना चाहिए। एक दिन के लिए अपना रूटीन ख़राब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि वैसे आज अगर आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, 2 दिन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, 5 दिन आप ज़रूर करें हफ्ते में एक्सरसाइज। और चाय बन चुकी है, चाय सबके लिए छान दिया, सब लोग अपना चाय वाय पियेंगे। और चाय पी करके सिंक में भी बर्तन नहीं रखते, सब गैस के पास ही बर्तन छोड़ के चले जाते हैं। इतने ज़्यादा आलसी हैं ना कि पूछने वाली बात नहीं होती है। उसके बाद मैंने सारे चद्दर निकाले हैं किचन के भी और बेडरूम के भी, सारे तकिया के कवर, और इन सबको बाहर ले चल के रखा है, पानी भरने के लिए लगा दिया है। पद्देव जी से बोला पानी बंद कर देना और निरमा वॉशिंग मशीन में डाल देना। और यहाँ के जितने चद्दर हैं मैंने इनको भी निकाल लिया। वैसे मशीन में कपड़े डालने और पानी भरने का ही काम होता है, बाकी वहाँ पे कुछ करना नहीं होता। बाकी जब कपड़े धुले जाते हैं उसके बाद कंघाले जाते हैं, वही ज़्यादा काम होता है। बाकी मशीन में तो कोई कपड़े कोई भी डाल सकता है, पानी कोई भी भर सकता है। हालांकि मैंने पाइप लगा दी है और गोलू हैं, गोलू संभालेंगे। घर पे बच्चे रहते हैं तो बच्चे भी देख लेते हैं। गौरी मेज उतार रही थी लेकिन उसके बस की नहीं थी, तो मैंने कहा तुम हटो, मैं ही कर देती हूँ, तुम्हारे बस की नहीं है। तो चद्दर हटा दिया था, ये वाली जो एक पतली सी कथरी डाल रखी है गद्दे के ऊपर, गद्दा जो हमारा है उसके ऊपर भी मैंने कवर डाल रखा है। जो मेरा गद्दा है ना, अभी गद्दे में प्लास्टिक ऐसी नई की नई है, मैंने प्लास्टिक भी नहीं निकाला है, ऊपर से कवर भी डाल दी है और उसके ऊपर से ये कथरी डाल देते हैं गद्दे के ऊपर से, बस एक्स्ट्रा पड़ी रहती है। तो ये दीवान में रखने से अच्छा है कि इस पर डाल देते हैं। कभी कभार चद्दर नहीं रहता जैसे धुलने के टाइम, तो बच्चे बैठते हैं आराम से, तो जब चद्दर हटाया जाता है तो मैं सोचती हूँ ना कि कथरी भी झाड़ दूँ, कितना भी चद्दर बिछाओ लेकिन थोड़ी सी बालू किटकिट जो होती है ना चद्दर के नीचे से झड़ी जाती है नीचे, इसलिए इसको झाड़ करके मैंने बिछा दिया है। अब चलूँगी, सारे कपड़े उपड़े धुलूँगी और उसको खंगालूँगी, ये सब काम निपटाऊँगी। सब काम निपटाने के बाद मैंने स्नान किया और बाल धुल लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, जो है सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार ये सारे दिन छोड़ के, बाकी हफ्ते में कितने दिन बाल धुल लिए जाते हैं ये कोई कहना नहीं है। जैसे बुधवार को धुल लिया, शुक्रवार को धुल लिया और रविवार को धुल लिया, तो हफ्ते में 3 दिन ये जो हो जाता है ना बाल धुल लिए जाते हैं। और बस सिंपल बिंदी लिपस्टिक सिंदूर लगा लिया। वैसे सुस्ती सी है, पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता क्या बात है लेकिन बस ऐसे सुस्ती है। सुस्ती का रीज़न ये होता है ना कि जब देर से सो के उठे हो और एक्सरसाइज योगा अपना डेली का रूटीन ना फॉलो करो ना, तो उसकी वजह से भी मतलब सुस्ती सी रहती है। बस आज मुझे थोड़ा सा लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट, मैं 7 बजे उठी क्योंकि आज था संडे और संडे के दिन काम ज़्यादा हो ही जाते हैं। बस किसी तरीके से साफ सफाई का काम निपटाया,
और सबको चाय बना के पिलाया है और खुद पानी पिया है। नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पता नहीं क्यों। वो भी कहते हैं ना, जब मेहनत करो तो भूख भी लगती है, जब मेहनत ना करो तो भूख नहीं लगती है। बस घर की साफ सफाई की है, सबको चाय दिया है, अपना खुद पानी पिया है, कपड़े धुले जा रहे हैं, थोड़े से धुलने के लिए लगाए हैं, थोड़े से धुले गए हैं। तो ये सारे काम आज संडे के दिन होते हैं। वैसे सच कहूँ तो आज मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं था, ना है, ना करने का आगे भी कोई प्लान है। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ सादा सिंपल ही बनाऊँ। थोड़ी सी कढ़ी कल बनी थी तो बची हुई है। आज मैंने बच्चों से कह दिया था छोला भटूरा बनाएंगे, बनाएंगे कह रहे थे ना, पूरा परफेक्ट नहीं कहते कि बनाएंगे, कन्फर्म नहीं कहते। अभी क्या आप बच्चों से कह दो तो फिर वो तो मुंह की बात छीन ही लेते हैं कि बनाओ बनाओ बनाओ, जबकि मैंने चना भिगोया नहीं है। और हमारी दी हैं शोभा दी ने कहा था कि जैसे कोबली चने जो होते हैं ना, उनको तुरंत ताज़ा उबालो, ताज़ा बनाओ। तो मैं फ्रिज में स्टोर करके जो रखती थी वो अब करना बंद कर दी हूँ। नहीं तो आप उबाल के फ्रिज में रखे रहो ना, तो फिर ये सोचना नहीं पड़ता कि चना भिगोया नहीं है तो बनेगा कैसे, ये वाली समस्या हो जाती है ना। अगर रखे रहो तो फिर फटाक से बन जाता है। तो फिलहाल अभी मैं क्या बनाऊंगी, आज अपने मन की सब्जी बनाऊंगी। सबके मन की तो बहुत कर ली, आज अपने मन के लिए करना है। तो मैं बनाऊंगी आज लौकी की सब्जी। मैंने सोच रखा था लौकी का जूस पी लूँ थोड़ा सा, लेकिन क्या कहते हैं कि मन ही नहीं है, अंदर से कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो जब खाने की इच्छा ना हो तो ठूस ठूस के उसमें भरा जाए तो वो भी ठीक बात नहीं है। बाकी बच्चे स्नान ध्यान पूजा पाठ करके पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, मैंने भी स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लिया। पद्देव जी अभी उनका जिस दिन छुट्टी रहती है तो उनका लेट लतीफ ही चलता है, तो फिर उनसे कहने का कोई मतलब नहीं होता कि आप अपना काम टाइम से कर लो। हालांकि ऑफिस रहती है तो वो भी 9:30 बजे तक निकल ही जाते हैं ना आगे पूजा पाठ करके। लेकिन अब छुट्टी के दिन थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, आस्ते आस्ते आराम आराम से। फिलहाल सबको आस्ते आराम से करने देते हैं, बच्चों को पढ़ाई भी करने देते हैं, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। पूरा किचन स्लैब खाली है, फिर अच्छा लगता है ना जब पूरा खाली रहता है। और मैं सबसे पहले कटिंग चॉपिंग से शुरुआत करूँगी, पूछ लेती हूँ एक बार, दाल भी बना लूँ क्योंकि कढ़ी रखती है ना, तो उसके साथ सब लोग खा लेंगे। और मेरा मन ये भी है कि मैं चावल आज ना बनाऊं, दाल भी ना बनाऊं, स्किप करूं और रोटी सब्जी बनाऊं। क्योंकि जब जिस दिन मेरा मन नहीं होता था तो उस दिन बस स्किप 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 ही करने का मन होता है। तो फिलहाल चलिए जो कुछ बनाना है उसकी कटिंग चॉपिंग तो करना ही होगा। पद्देव जी ने पूछा कि मैं कटिंग चॉपिंग कर दूं अगर इजाज़त हो, अगर कुछ बनाना हो, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने सारे काम खुद ही करूँगी। वैसे भी मैं सुबह से कोई काम आज नहीं की हूँ, तो कम से कम ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। थोड़े बहुत कपड़े धुले गए हैं आज, ज़्यादा कपड़े नहीं धुले गए हैं, मौसम के हिसाब से कपड़ों की धुलाई होता है। वैसे अगर सही बात पूछो ना तो हफ्ते भर में चद्दर को धुलना बहुत ही अनिवार्य काम हो जाता है। और सबसे पहले मैं फ्रिज से सब्जी निकालूंगी। सब्जी में आज बनाऊंगी लौकी। लौकी को हमने ना बहुत ज़्यादा फ्रिज से सटा के रख दिया था, जहाँ पे ये ठंडी वाली गैस निकलती है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा ये टच हो गया था। हालांकि लौकी में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने देखा बस छिलका इसका काला हो गया था, ज़्यादा ठंडी की वजह से होता है ना, काला हो जाता है। लौकी इतनी नरम मुलायम थी ना कि पूछने वाली बात नहीं होती। जब भी आप लौकी लें तो ये गोल वाली लौकी लें, गोल वाली लौकी का स्वाद भी बहुत ही बढ़िया होता है और लंबी और पकने में भी बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत जल्दी गल जाती है। मैंने जब से जाना इसके बारे में ना, तब से मेरे यहाँ लंबी वाली लौकी आती रही है, ये गोल वाली लौकी आई थी। लौकी मैंने इसलिए मंगाया था कि मैं इसका रायता बनाऊंगी, अपने लिए जूस बनाऊंगी, लेकिन आलस इतना ज़्यादा आ रहा है कि आजकल मुझे पूछो मत। जब से मैं गांव से आई हूँ ना, एकदम से आप कह सकते हैं काम से जी चुराना, मतलब बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता है। बस ये होता है कि कैसे भी करके खाना बन जाए, कुछ भी बन जाए। दूसरी चीज़ ये भी है, इस बार जितनी गर्मी पड़ी है ना, जितनी भयंकर गर्मी पड़ी ना, त्राही त्राही सभी लोग, बच्चे बड़े सभी लोग, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। सिंपल लौकी की सब्ज़ी में हरी मिर्ची जीरा डाल के छौंक लगा देना, थोड़ा सा हल्दी नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस इसको छोड़ देना है। ये पानी छोड़ेगा अपने आप और लौकी गल जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया लौकी गली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लौकी को कुकर में बनाइए, लेकिन जो कढ़ाई में सब्जी का स्वाद आता है वो कुकर में नहीं आता। आप लोगों के साथ एक बढ़िया फर्स्ट क्लास चटनी रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले आधा चम्मच सरसों का तेल डाला है, उसमें मूँगफली डाली है, मूँगफली पकने के बाद थोड़ा सा इसमें सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च और डाला है ढेर सारा लहसुन, इनको भी भून लिया है, स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया। ये चटनी इतनी बढ़िया थी ना कि घर में सबने तारीफ़ किया। और जो करी पत्ता होता है उसके मुलायम मुलायम पत्ते लाए हैं, बहुत ही मुलायम वाले पत्ते आप लीजिएगा करी पत्ते के, जो एकदम नाजुक नाजुक होते हैं ना, उसको भी डाल के इसमें भून लीजिएगा 1 से 2 मिनट के लिए। इसको भूनने के बाद अब इसमें हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दीजिए, हरी धनिया की पत्ती को भी भून लेना है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट को आप भून लेना है। और भून के बनाएंगे तो इसकी चटनी की जो लाइफ जो टाइम है इसका ना, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे आप इसको 10 दिन 15 दिन आप फ्रिज में रखें
बड़े ही आराम से खा सकते हैं। और चटनी मैंने सोचा एक ही बार में सब बना लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मिक्सी का जार जो है छोटा पड़ गया। और इसमें मैंने 3-4 नींबू का रस डाला है खटास के लिए। आप इसमें नींबू का जूस ज़रूर डालें, इसी से चटनी का स्वाद बढ़ेगा। बस आप इसको पीस लीजिए। और चटनी को ना आप कभी प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें, जब भी रखें आप इसे कांच की भरनी में रखें। कांच की भरनी में रखने से ना चटनी जल्दी ख़राब नहीं होती, जैसे ये अचार का काम करता है। और देखिए लौकी की सब्ज़ी हमारी इतनी बढ़िया मीठी यम्मी टिमटिम थी, ऐसे लग रहा था ताज़ी लौकी। हालाँकि लौकी जो क्या कहते हैं ना काली हो गई थी, उससे कोई अंतर नहीं आया। मैंने कल ही देखा था काली थी, तो मैंने सोचा सुबह में इसको बना लेते हैं। आधी लौकी बनाई आधी रख दी है, चटनी हमारी कितनी बढ़िया दिख रही है। फटाफट से मैंने फुलके बनाए। आज सब लोगों ने खूब भूख लगी थी सबको कस करके, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा था। मुझे कपड़े उपड़े धुलने में फैलाने में बहुत सारा टाइम लग गया, और मैं फटाफट से आई लौकी कटिंग करने में। देखिए कितना भी आप जल्दी कर लो, तब भी कुकिंग करने में आधा घंटा एक घंटा तो लग ही जाता है, सब्जी कटिंग करने में ही 10-15 मिनट निकल जाते हैं, बनाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। आज मैंने बहुत ही हल्का खाना खाया, बिल्कुल मन नहीं था, कमर दर्द हो रही थी, पैर में दर्द हो रहा था, और ना खाने का मन था, ये मन कर रहा था कितनी जल्दी सो जाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा चावल एक रोटी लिए, खाने में ऐसे सुस्ती। अभी देखिए सिंक में सारे बर्तन पड़े हैं, खाना खाने के बाद मुझे बर्तन निपटाने हैं, और मगर ये बर्तन नहीं निपटाऊँगी ना तो फिर नींद आ जाएगी, तो फिर उसके बाद शाम को तक ये बर्तन सिंक में पड़े रहेंगे। इसलिए भैया कितना भी दर्द रहे, कितनी भी पीड़ा में रहो, अपने सारे काम निपटा के ही जो है सोने जाओ, तो ताकि जब लौट के आओ ना तो वो ही मतलब घंटा 15 मिनट एक घंटा लेट भी हो जाओ ना, तो ये ना रहे कि सारे काम पड़े हुए हैं। और शाम के वही चाय वाय बनाया, बच्चों को दूध दिया, दोनों बच्चे दूध पिए, बिस्किट खाए, और हमने चाय बनाई। हम वॉक भी निकल आए, पद्देव जी चले गए हैं ग्रोसरी का सामान लेने, बच्चे भी मेरे साथ आए, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रखा था ना, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी, और जब इस तरीके से मौसम होता है ना तो बच्चे भी उछल कूद मचा ही देते हैं। और मैंने भी बच्चों से बोला चलो बाहर चलते हैं थोड़ी देर, तुम लोग भी खेल कूद आना, क्योंकि दिन भर पढ़ाई करते रहो, कमरे में बंद रहते हो, ऐसे होता है ना कि देखिए शहर में कितना भी रहे वो बंद रहते ही रहते हैं बच्चे 2 कमरे 3 कमरे में, बाहर निकलो थोड़ी सी ठंडी हवा लग जाती है शरीर को, और मन भी आन हो जाता है। 10-20 क्या बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं भाई, यहाँ पे फील्ड होती है, मैदान होता है, तो बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं। दोनों बच्चों के साथ मैं वॉक पे आ गई हूँ, सखी सहेली भी 2-4 लोग मिल ही गई हैं, और इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना, ऐसे गर्मी से राहत मिल जाती है। जैसे जब बरसात वाला मौसम होता है ना, तो ऐसा मौसम होता है कि ना बारिश होती है ना हवा चलती है, एकदम ऐसे उमस भरा मौसम हो जाता है। सो फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, और इतना सुंदर मौसम हुआ है ना कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। एकदम से हल्की बारिश, खूब तेज़ हवा चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, गर्मी से राहत मिल रही है। और हम लोग आए थे टहलने शाम के टाइम, बस बैठे थे, मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं थोड़ा सा आनंद लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर हवा चल रही है, ये देखिए बोलो हाय, बोलो गौरी बोलो, पहले हाय बोलो। कलर नहीं लाएंगे पापा, कलर का सत्यानाश करती हो ना, और वॉक से आने के बाद सबका डिनर उनर बनाया, सबने खाना पीना खा लिया, बर्तन साफ़ किया, किचन साफ़ किया, मैंने साफ हाथों से दूध दही लगा दिया है, और क्योंकि इसके एक दिन बाद मेरा व्रत भी रहेगा, अगर दही बची रहेगी साफ तो व्रत में भी काम आ जाएगा। दही बनाने के लिए सबसे पहले दूध को हल्का गुनगुना कर लेते हैं, एक दिन पहले वाला जो दूध होता ना उसी की दही जमाते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चूरन डाल देते हैं, इसको ढक के रख देना है, अगले दिन आपकी दही बन करके तैयार हो जाएगी। और चूरन डाल के ना अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो दही अच्छी नहीं बनेगी, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए दूध बिल्कुल। सारे काम हो चुके हैं खत्म, दही भी जमा दी है, थोड़े से बर्तन से धुल लिए थे, आज ग्रोसरी का सामान आ गया था, मैं उसमें पड़ गई थी, बाकी कुकिंग किया, सबको खाना वाना खिलाया। और सो आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे। संडे के दिन काम की कोई कमी नहीं होती है, बस ये होता है कि सूट कितना किया है, कितना दिखाया है, काम इतने थे कि पूछो मत, आधे से ज़्यादा कपड़े फोल्ड किए हैं, आधे से ज़्यादा फैलाए हैं, पूरा घर कपड़े से पूरा फैल जाता है घर से बाहर तक ले संडे के। और कभी कभार मन होता है संडे को वीडियो की शूटिंग ना ही करें, लेकिन फिर होता है चलो जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुकी है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कमर भी पीछे से दर्द हो रही है। अब ये हो रहा है कि कितनी जल्दी बिस्तर पर पड़ जाएँ और सो जाएँ, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है, सुबह ही उठना पड़ेगा।
और थोड़ा सा चार्ज होंगे, सोएंगे तभी जो है कल उठ पाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों पैर और कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, शुभरात्रि।